बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। चिंता में डूबा दिखा फतेह। जी हाँ, उसकी यही हालत होने वाली है जिस दिन उसकी शादी होगी, उसकी और जैस्मिन की शादी। जी हाँ, काफी ज्यादा हैरान परेशान नजर आ रहा है फतेह। हमेशा उसे चिंता सता रही है। अब उसे हमेशा हमेशा के लिए तेजो को खोने का डर सता रहा है। चिंता कि अब कभी भी नहीं नजर आएगी उसे तेजो। चिंता अब हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही है तेजो। यही सब उधेड़बुन में नजर आ रहा है फतेह। यहाँ पर जैस्मिन जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी अपनी शादी को लेकर, लेकिन जब उसे पता चला है कि अंगद और तेजो की इंगेजमेंट भी इसी शादी में होगी, तब से वो काफी ज्यादा परेशान है। और यहाँ तक कि देख लीजिए, जैस्मिन जो है वो ये तक सोच रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजो जो है वो फतेह को मुझसे छीन ले मंडप में ही। जी हाँ, बहुत बड़ी बात जो है वो जैस्मिन ने बोली है। कहीं ना कहीं से यही होने वाला है, लेकिन बस इस बार फर्क ये है कि इस बार तेजो कुछ भी नहीं करने वाली है। इस बार फतेह अपनी फीलिंग्स बताएगा, इस बार फतेह एक एक चीज बोलेगा तेजो को लेकर वो जो सोचता है, और इतने दिनों में जो कुछ भी उसने फील किया है जब से तेजो गई है। बहुत बार उसने तेजो को कहा था कि तुम यहां से चली जाओ, तभी मैं और जैस्मिन एक हो सकते हैं। और फिर जब जब तेजो गई है फतेह को छोड़कर, तब तब फतेह बेहद परेशान हुआ है, और तब तब उसे तेजो की बहुत याद आई है। और तब भी फतेह को रियलाइज नहीं हुआ कि वो तेजो से ही प्यार करता है। बावजूद उसके लिए कभी उसने स्टैंड नहीं लिया, कभी उसने ये नहीं कहा कि वाकई तेजो ने ही सब कुछ किया था फतेह को। एक से एक बुरे वक्त से उसे निकाला था, जैस्मिन जैसी लड़की से उसे बचा कर रखा था। लेकिन आप देख लीजिए किस तरीके से फतेह ने तेजो के साथ किया। लेकिन अब वो ये अच्छी तरह से समझ चुका है। उसने कहा भी था कि मुझे पता है कि मुझे अपनी गलती की सजा भुगतनी है और मैं उसके लिए तैयार भी हूँ। तो कहीं ना कहीं से वो इस गलती की सजा भुगतने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर आपको याद हो तो एक और बात भी उसने जैस्मिन को कही थी कि वो बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। वो कई बार ऐसी बातें कह चुका है कि वो बड़ा सरप्राइज देने वाला है। अब वो बड़ा सरप्राइज क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बड़ा सरप्राइज यही है कि वो शादी ही नहीं करने वाला है, जिसके बाद जैस्मिन के सारे सपने चकनाचूर होते नजर आने वाले हैं। कहीं यही तो वो सरप्राइज नहीं जो जैस्मिन के लिए रखा हुआ है, क्योंकि बार बार जैस्मिन उससे पूछ रही थी और बार बार वो अवॉइड कर रहा था, और कई बार आप उसके चेहरे पर भी देख कर कुछ अंदाजा लगा सकते थे। फिलहाल ये काफी उदास नजर आ रहा है यहाँ पर फतेह, और यही हालत होने वाली है उसकी शादी वाले दिन। इस वीडियो में बस इतना ही।